सब्सक्राइब करें आवाज नेशनल न्यूज और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आपको मिले। शिवसेना अवजड़ वाहतूक सेना की तरफ से शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे के जन्मदिन के मौके पर सायन कोलीवाड़ा और मानगांव में मुफ्त छतरी वाटप कार्यक्रम रखा गया, जहां हजारों लोग छतरी लेने के लिए पहुंचे। इस मौके पर शिवसेना अवजड़ वाहतूक सेना के महाराष्ट्र अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बल, महिला उपाध्यक्ष रीना खुराना, महासचिव इंद्रपाल सिंह मारवा सत्ती, उपाध्यक्ष नरेंद्र पाटिल, सचिव साहजी पाटिल सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने आदित्य ठाकरे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाए जाने की इच्छा जताई। उद्धव जी के जन्मदिन पर ये जो छतरी महिलाओं को छतरी बांटने का कार्यक्रम रखा है आज यहाँ पर, और हर साल की तरह यहाँ पर साहब के जन्मदिन पे हम लोग छतरी बांटप मेडिकल कैंप करते रहते हैं। आज भी साहब के जन्मदिन के अवसर पर ही ग्रामीण भाग में भी हमने मानगांव में एक शिविर रखा था, जो रोजगार मेला हुआ था, जो बेचारे वहाँ के शेतकरी है उनको कैसे गाड़ी मालिक बनाया जाए उसके ऊपर टाटा वालों को साथ में लेके काफ़ी जोश था आज वहाँ पे भी लोगों में, तो अच्छे प्रोग्राम जो लोगों को जिसका बेनिफिट मिले ऐसे साहब के जन्मदिन पे हम करते रहते हैं और आगे भी करेंगे। हमारी ख्वाहिश तो बहुत है कि वो जल्द से जल्द बन उनको बनाया जाए, पर बाकी जो उनको भी डिजिटल लेंगे उनके ऊपर डिपेंड है। बाकी जितने कार्यकर्ता हैं, जितने शिवसैनिक हैं, सबकी यही ख्वाहिश है, जितनी युवा जनरेशन है कि युवा नेता ही CM बनना चाहिए और हम चाहेंगे वो बने। शिवसेना प्रमुख माननीय श्री उद्धव जी का जन्मदिन हम लोग हर साल ऐसे ही बनाते हैं, कभी हम मेडिकल कैंप करते हैं, कभी छतरी वाटप, कभी भंडारा। तो आज बारिश का मौसम है तो उसके लिए हमने सोचा हमारे उद्धव जी का जन्मदिन है तो छतरियाँ बांटते हैं, तो हमने 2000 छतरियाँ बनाई थी। तो जितने हमारी यहाँ लोकल जनता है सायन कोलवाड़ा तालुका की जिले की, हमने सबको वो छतरियाँ बांटी है। आज पूरे महाराष्ट्र का CM बनेंगे आदित्य साहब, यह हमारी पूरे शिवसेना की पूरे युवा की यही मर्जी है, यही हम चाहते हैं। बाकी वही पक्ष प्रमुख शिवसेना के उद्धव जी हैं, माननीय श्री उद्धव ठाकरे जी जो डिसीजन लेंगे वो सभी को मान्य है, पर हमारे दिल की बात है कि आदित्य साहब CM बनने चाहिए। ये एक युवा पीढ़ी आगे आएगी तो युवा लोग पॉलिटिशन में आएंगे, युवा लोग आगे जोश में काम करेंगे, और एक युवा पढ़ा लिखा इंसान अगर CM बनता है तो आगे महाराष्ट्र और आगे बढ़ेगा, पर हम दिल से चाहते हैं आदित्य साहब CM बनने चाहिए। वही इंद्रपाल सिंह मारवा सत्ती ने आंटाफिल माड़ा के रहवासियों को घर दिलाने के लिए आवाज बुलंद की है। आड़ा के जो रहवासी है टरिस्ट के मेंटाफिल के, ये मुद्दा आज का नहीं 6 महीने से चल रहा है। हमारे जो खासदार है राहुल शिवाले साहब, उनके पास ये मुद्दा आया था आज से 8 महीना पहला, उन्होंने इस विषय पे माड़ा के अधिकारियों से बात की थी, उनको पत्र लिखा था, तो उस टाइम पे कार्रवाई उन्होंने रोक दी। अभी फिर वहाँ के कुछ दलाल है कांग्रेस और NCP के, जिनके द्वारा वहाँ के माड़ा अधिकारियों मिल के इनके घर खाली करवाए जा रहे हैं। कारण ये जो 10 साल से 12 साल से वहाँ रह रहे हैं उनके घर खाली करवा के, जैसे इन्होंने 3 लाख में लिया था 10 साल भरा, अभी इनको कोई दूसरी पार्टी मिली है दलाल को और अधिकारी को, वो 8 लाख दे रही है, 6 लाख दे रही है, तो इनको बोलेंगे आपके घर खाली करो, ये नहीं खाली करेंगे। दलाल पहले इनके पास जाते हैं कि आपके घर खाली करो, वो बोलते हमको नहीं करना, फिर अधिकारी को सेटिंग करके माड़ा के इनको नोटिस भेजा जाता है और इनके घर खाली करा के वो सामने लोग को 6 लाख में दिए जाते हैं। तो ये धंधा चालू है माड़ा अधिकारी और वहाँ के कुछ दलालों का, उसके खिलाफ शिवसेना और शिवसेना उद्धव वाहतूक सेना लड़ रही है। इसमें हमारे खासदार राहुल शिवाले साहब, महाराष्ट्र अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बल साहब, वैसे हमारी शिवसेना के सब लीडर जैसे विनोद गुसारकर साहब जो यहाँ के माड़ा के चेयरमैन है, विजय नाटा साहब सभापति हैं, हमने सभी को पत्र लिखा है और रिक्वेस्ट की है, वो भी हमारे साथ है। ये आपके जो रविवासी बैठे हैं सब, आप कैमरा से घुमाइए, ये सबकी एक ही आवाज़ होगी, आपको दलाल और माड़ा अधिकारी लूट रहे हैं कि नहीं लूट रहे, लूट रहे कि नहीं लूट रहे, आपको डराया जा रहा है कि नहीं डराया जा रहा है। ये सब वही लोग हैं जिनको घर से निकालने के नोटिस दिए गए अधिकारी के द्वारा, क्योंकि ये अपना घर नहीं देना चाहते, बेचना नहीं चाहते। मैं मानता हूँ ये जगह माड़ा की है, पर 15 से 20 साल से ये लोग वहाँ रह रहे हैं, इनके पास आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, राशन कार्ड, लाइट बिल, भाड़ा पावती सब कुछ है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैं इसमें कोई सरकार को गलत नहीं बोलता हूँ, मैं माड़ा अधिकारियों पे उंगली उठा रहा हूँ, क्योंकि माड़ा अधिकारियों ने क्या किया है, जब उनको पता था ये गलत है तो 15 साल चुप क्यों थे, तब माड़ा अधिकारी कहाँ थे,
मेरा एक ही सवाल है, इसके लिए अब इनको हिसाब दिया जाए। 15 साल से रह रहे हैं, इनके नाम पे पेपर है, जो भी भाड़ा महाड़ा का बाकी है वो ये सब देने के लिए तैयार है। जब वो 1.5 लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, ये भरने को तैयार है। तो मैं माड़ा अधिकारियों से और चेयरमैन से रिक्वेस्ट करता हूँ, इनके नाम पे वो अलॉटमेंट लेटर दिया जाए, इनसे पैसा भाड़ा लेके।